प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 और क्लास 12 के विद्यार्थियों, परीक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हो यह सीबीएसई के इतिहास में यह पहली बार ऐसे हो रहा है कि टर्म 1 और टर्म 2 दो परीक्षाएं सीबीएसई द्वारा यह संचालित की जा रही है। बोर्ड परीक्षा प्रत्येक साल एक बार होता था, लेकिन अब ये परीक्षा दो बार हो रही है। टर्म 1 की परीक्षा जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, क्लास 12 की परीक्षा, क्लास 10 की परीक्षा, जैसे कल 22 नवंबर को संस्कृत की परीक्षा क्लास 10 की है, राइट। फिर उसके बाद आईटी की परीक्षा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा है, सोशल साइंस की परीक्षा है 10 की, फिर बोर्ड की परीक्षा है, यानी नवंबर में ये परीक्षा स्टार्ट हो गई है, टर्म 1 की परीक्षा क्लास 10 और 12। परीक्षार्थियों, माय डियर चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर आपकी तैयारी कैसी हो? मैं ये समझता हूँ कि आपकी तैयारी तो भली बात ही हो रही होगी, आप तो रिवीजन कर लिए होंगे, फिर भी मैं जानता हूँ कि आप भली बात तैयारी कर लिए होंगे, क्योंकि आप कॉन्शस पहले से ही हो गए होंगे, या एक महीने से अधिक सीबीएसई ने यह इन्फॉर्म कर दिया है कि क्लास 12 और 10 में टर्म 1 और टर्म 2 दो बार परीक्षा ये संचालित की जाएगी, राइट। अब क्लास 10 के विद्यार्थी, खासकर मैं ये विशेष रूप से क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप तैयारी तो भरपूर कर रहे होंगे, फिर भी मैं थोड़ा आपको ऊर्जा प्रदान करना चाहता हूँ, थोड़ा और ऊर्जा देना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी भली भांति हो। तो पहले आपकी तैयारी सिलेबस संस्कार, जो सिलेबस है, आप जानते हो कि सिलेबस क्या है। सोशल साइंस में यह वीडियो सोशल साइंस में स्पेशली मैं आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, तो उससे आपको बच्चे ये पता होगा कि सिलेबस क्या है सोशल साइंस में टर्म 1 के एग्जाम के लिए। तो सिलेबस पहला सिलेबस, सभी परीक्षार्थी सिलेबस के बारे में सोशल साइंस में क्या सिलेबस है टर्म 1 में आप जानते होंगे। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म, हिस्ट्री में या पे स्टडी ओनली वन चैप्टर। तो बच्चे आप प्रिपेयर कीजिएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये चैप्टर जो टॉपिक्स हैं आप जानते ही हैं, तो ये टॉपिक हिस्ट्री का है। सिविक्स में क्या पढ़ने हैं, दो चैप्टर है, पहला है पावर शेयरिंग और दूसरा फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, ये दो चैप्टर सिविक्स में आपको पढ़ने हैं फर्स्ट टर्म में, राइट। नेक्स्ट ज्योग्राफी में क्या पढ़ने हैं, ज्योग्राफी में चैप्टर 1 रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, राइट। चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेस। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं बच्चे कि वाटर रिसोर्स जो चैप्टर है, इससे इस चैप्टर से मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैप आधारित, जैसे डैम्स है, डैम्स ऑफ इंडिया, वेरियस रिवर्स एंड डैम्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर लोकेटेड ऑन वेरियस डैम्स। तो इफ यू स्टडी मैप वर्क गिवन इन चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, दैट्स इनफ। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे वाटर रिसोर्स चैप्टर से मैप भली बात स्टडी कर लिए होंगे, तो मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे टर्म 1 में, राइट। उसके बाद ज्योग्राफी का चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर,
एग्री कल्चर यानी ज्योग्राफी पे चैप्टर वन और चैप्टर फोर से ये क्वेश्चन अधिक आएंगे आपको एमसी क्वेश्चन में। वाटर रिसोर्स चैप्टर से मेनली मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, राइट। ये हो गया ज्योग्राफी और चौथा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर वन डेवलपमेंट एंड चैप्टर टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। इट मीन्स इकोनॉमिक सेक्टर्स इन इंडिया। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया ये आपको दो चैप्टर पढ़ने इकोनॉमिक्स में, राइट। तो बच्चे ये सिलेबस की बात हुई, तुम आप भली भांत सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए। पहला कि एवरी स्टूडेंट शुड कीप इन माइंड व्हाट इज द सिलेबस इन सोशल साइंस, राइट। अब ये सिलेबस की बात हुई। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? समय प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट इज द वे, इट रेफर्स टू द वे हाउ टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स इन टाइम। इट इज द टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द वर्क, द एक्टिविटी यू डू। जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं प्लानिंग कीजिए। इफ यू डू प्लान, इफ यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, सर्टेनली यू कैन डू योर वर्क इन टाइम। बच्चे क्या करते हैं कि समझते हैं कि बहुत सिलेबस पढ़ना है, बहुत चैप्टर पढ़ने हैं, कैसे टाइम मिलेगा? बच्चे 24 आवर्स सबके लिए होता है। बड़े से बड़े व्यक्ति, महानतम व्यक्ति, विश्व के महानतम व्यक्ति जो भी है, वैज्ञानिक हो या शोधकर्ता हो, जो भी रिसर्च हो, जो भी महान व्यक्ति हुए हैं, इसी 24 आवर्स में अपना काम किए हैं, वे सफल हुए हैं। जो भी सफलता प्राप्त किए हैं, 24 आवर्स आपके लिए भी है। यदि आप समय प्रबंधन करते हैं, इफ यू मैनेज योर टाइम, सर्टेनली यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस इन टाइम। समय प्रबंधन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है तैयारी करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान, यू हैव टू ऑर्गेनाइज विद इन योर एक्टिविटीज, बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट वर्क, हाउ टू प्रिपेयर योर वर्क, हाउ टू प्रिपेयर योर ऑल सिलेबस इन टाइम, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। तो समय प्रबंधन जो है, टाइम मैनेजमेंट जब तक आप नहीं कीजिएगा, आपका सिलेबस आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो समय प्रबंधन क्या है? टाइम मैनेजमेंट जो है, कम समय में आप पूरी भली भांति आप तैयारी कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ऑल टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर विद इन टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा स्ट्रेटजी है, एक ऐसा भी है जो आप कम समय में आप भली भांति हर एक विषय की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको समय मिलेगा, पढ़ने का समय मिलेगा, तैयारी करने का समय मिलेगा। तो पहले आप प्लान बनाइए, यू हैव टू मेक ए प्लान हाउ टू प्रिपेयर। ज्योग्राफी कब पढ़ें, हिस्ट्री कब पढ़ें, सिविक्स कब पढ़ें, इकोनॉमिक्स कब पढ़ें, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं। आप यदि आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं अपनी तैयारी करने का, निश्चित रूप से आप जो है हर एक विषय की तैयारी भली भांति कर सकते हैं, आपके परीक्षा में अच्छे अंक आ सकते हैं। सर्टेनली यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इफ यू मेक प्लान, इफ यू ऑर्गेनाइज ऑल द वर्क। तो यदि आप समय का प्रबंधन आप ध्यान में रखते हैं, तो निश्चित रूप से आप हर एक विषय की तैयारी, नॉट ओनली सोशल साइंस बट यू कैन प्रिपेयर हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ऑल सब्जेक्ट यू कैन प्रिपेयर ऑन टाइम। तो बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे, आप समय प्रबंधन, आप टाइम मैनेजमेंट के अनुसार तैयारी कीजिए। निश्चित रूप से परीक्षा के पहले आप
सभी विषयों की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं और आपका मार्क्स बहुत बहुत बढ़िया आएगा निश्चित रूप से। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये दो हो गया, तीसरा क्या है, क्वेश्चन पैटर्न आप जानते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ए बी सी डी दिया रहता है, यहां तक कि सीबीएसई में आप मैं इसके पर जो मैं जो वीडियो बनाया हूं आप याद कीजिए कि उस वीडियो में मैं यह भी बताया हूं कि सीबीएसई ने इस बार ऐसा किया है कि चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन के बदले उसके बाद एक ऑप्शन और रहेगा कि यदि आप गलती से ए बी सी डी में जैसे आप डी कर दिए और फिर आपको यह ध्यान में आपके दिमाग में आता है कि यह डी नहीं होकर यह बी होगा तो आप उसके बगल में बी लिख सकते हैं तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सीबीएसई ने आपके लिए इतना आसान कर दिया है कि यदि आप गलती से चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप जो चूज करते हैं जो गलत होता है तो उसके बदले पांचों ऑप्शन आपके लिए दिया रहेगा, वह बॉक्स खाली रहेगा, उसमें आप बाद में वह करेक्ट आंसर आप डाल सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएंगे, आपके नंबर कटेंगे नहीं। तो देखिए सीबीएसई ने कितना अच्छा किया है कि क्वेश्चन पैटर्न जो है पहले से कुछ डिफरेंट हो गया है और फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन पर आप समझिए, बच्चे क्वेश्चन समझने के अभाव में उसका आंसर गलत लिख बैठते हैं। तो इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें ये लिखने नहीं है आपको, यदि आप प्रिंटिंग करते हैं हर एक चैप्टर को दो बार चार बार पांच बार दस बार जैसे आप टाइम मैनेजमेंट के अनुसार आप बनाते हैं आप रीडिंग करते हैं कि रीडिंग आप ध्यान से कीजिएगा, इफ यू रीड ऑल द टॉपिक्स इन एवरी चैप्टर सर्टेनली यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। तो परीक्षा में एमसीक्यू के लिए गहन डीप स्टडी कर सकता होती है, रटना इसमें नहीं बिल्कुल मत रटिए, लेकिन आपको दो बार चार बार आपको हर एक टॉपिक को आप कम से कम दस बार पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से आप सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन पैटर्न। चौथा है रिवीजन। प्रत्येक चैप्टर को प्रत्येक टॉपिक आपको रिवाइज करना होगा। यदि कोई बच्चा ये समझता है कि मैं एक या दो बार पढ़ लिया अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज रॉन्ग। यदि आप एमसीक्यू सभी क्वेश्चन को आप भली भांति करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। आप रिवाइज कीजिए, एक बार दो बार चार बार कम से कम पांच बार किसी भी टॉपिक आप चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स ऑल द चैप्टर गिवन इन द फर्स्ट टर्म सिलेबस, यू मस्ट रिवाइज हियर सो दैट यू कैन अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। और फिफ्थ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ असेसमेंट। आप परीक्षा में जाने के पहले, आप घर पर जब पढ़ रहे हैं तो आप पहले रिवाइज जब करते हैं, उसके बाद आप सेल्फ एसेस कीजिए। असेसमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने आप तैयारी कर चुके हैं सोशल साइंस में, आप ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सिविक्स का, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वह आपके माइंड में कितना है। आप बहुत से जैसे सीबीएसई के द्वारा जो अलग से बुक निकली है उन बुक की सहायता से, किताब की सहायता से, जो भी है आपके पास एनसीईआरटी बुक है और जो साइड जो बुक है, आप उन बुक की सहायता से आप रिवाइज कीजिए। रिवीजन के बाद एसेस कीजिए, अपने आप को असेसमेंट करना है कि कितना आप अटेम्प्ट करते हैं विद इन टाइम। आप एक घंटे में कितने क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, उसके बाद दो घंटे में कितना करते हैं, तीन घंटे में कितना करते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट। तो सिर्फ असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो सिर्फ असेसमेंट, यहाँ पर स्मार्ट बनना है। स्मार्ट आप तब बनिएगा जब आप क्वेश्चन को ध्यान, जब क्वेश्चन पैटर्न समझिएगा, टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, आप सेल्फ एसेस कीजिएगा अपने को, सर्टेनली यू कैन बिकम ए स्मार्ट एग्जामिनी। तो स्मार्ट एग्जामिनी बनने के लिए, स्मार्ट परीक्षार्थी बनने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखना होगा, सिलेबस समझना होगा,
क्वेश्चन का पैटर्न समझना होगा, रिवीजन करना होगा और लास्ट में एसेस कीजिए अपने आप को कि आप कितना समझ गए हैं, कितने आपकी प्रिपरेशन हो गई है, तैयारी कितनी हो चुकी है। और निश्चित रूप से आप जब जाएगा परीक्षा हॉल में तो आपको सभी क्वेश्चन ईजी मिलेंगे। तो यदि आप ये इसके अनुसार मैं जो बताया आप यदि तैयारी करते हैं तो परीक्षा में जरा भी आपको घबराहट नहीं होगी और वेरी कंफर्टेबली यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन वेरी सक्सेसफुली वेरी कंफर्टेबली। तो बच्चे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो और आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं, यही हमारी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चे।